तो फाइनली दोस्तों, बॉलीवुड में गोल्डन जुगली फिल्मों से सम्मानित फैमिली ओरिएंटेड फिल्मों को बनाने वाले फिल्म निर्माता, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को हर दौर के मुताबिक, आज की जनरेशन हो या फिर पिछली जनरेशन या फिर आने वाली जनरेशन, सभी के लिए एक से बढ़कर एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्में दे दी हैं, जो आने वाले टाइम में 100 सालों तक याद रखी जाएंगी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं द लेजेंड सूरज बड़जात्या की, जिनकी फिल्में पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे बूढ़े और जवान हर किसी को तकरीबन 33 सालों से एंटरटेन करने के साथ साथ हर किसी के दिल में राज कर रही है। जिनमें से मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, विवाह और एक ऐसी फिल्म जो आज की जनरेशन के दिल के बहुत करीब है, प्रेम रतन धन पायो। और इतनी जबरदस्त और आइकॉनिक फिल्मों को बनाने के बाद ये एक बार फिर बॉलीवुड के सबसे बड़े मेगा स्टार सलमान खान के साथ मिलकर पूरे इंडिया के दिलों पर राज करने आ रहे हैं अपनी एक और जबरदस्त फिल्म लेकर। तो आखिर क्या कहा है सूरज बड़जात्या ने हाल ही में अपने इंटरव्यू के दौरान फिल्म को लेकर, बात करेंगे इस बारे में। तो हेलो दोस्तों, माय टॉक्स के और फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फिल्म निर्माता सूरज बड़जात्या का रिकॉर्ड रहा है कि ये हमेशा ही ऐसी फिल्में बनाते हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, और इनकी फिल्मों से कुछ न कुछ सीखने का मौका भी जरूर मिलता है, जैसे कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, अपने परिवार के साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। और अगर आपने इनकी फिल्में देखी हैं तो आपको पता ही होगा, इनकी फिल्में एक अलग तरीके का कलरफुल सिनेमा दिखाती हैं, जो आज के दौर में रहकर भी इनकी 30 साल पुरानी फिल्मों को आज भी एकदम नया और फ्रेश महसूस कराती है। साथ ही दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने सबसे पहले सलमान खान को प्रेम के किरदार में फैंस के बीच उतारा था, जो आज तक फैंस को बहुत पसंद आता है। और अगर आप भी उन्हीं में से जो सलमान खान को प्रेम के किरदार में फिर से देखने के लिए बेकरार रहते हैं, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि सूरज बड़जात्या ने हाल ही में अपने इंटरव्यू के दौरान ये अनाउंसमेंट की है कि वो अगले साल सलमान खान के साथ एक फिल्म बनाने वाले हैं, जिसमें फिर एक बार सलमान खान प्रेम के किरदार में एक अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, जब से सलमान खान रश्मिका मंदाना के साथ नजर आए हैं, तभी से रूमर्स आ रही है कि शायद सलमान खान और रश्मिका मंदाना एक साथ देखने को मिल जाए। वहीं रूमर्स ये भी है कि सलमान खान किसी का भाई किसी की जान में पूजा हेगड़े के साथ नजर आने वाले हैं। और जिस तरह से सलमान खान और पूजा हेगड़े की जोड़ी को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं, तो क्या पता शायद वो अगली फिल्म में भी पूजा हेगड़े के साथ नजर आए या फिर इन दोनों के साथ ही नजर आ जाए। अब वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा जब फिल्म से कोई ऑफिशियली अपडेट निकल कर आती है। तो ऐसे में दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है सलमान खान को फिर एक बार सूरज बड़जात्या की फिल्म में देखने के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और मूवी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।